के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया गया है आज सुप्रीम कोर्ट में। जब अर्जेंट हियरिंग के लिए मांग की गई सुप्रीम कोर्ट में, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के आधार पर मांग की गई कि कोई भी सर्वे और कमीशन नहीं हो सकता, इसको फौरन रोका जाए। तो वकील साहब से आप पूछिए कि इस एक्ट पर उनकी क्या राय है और क्यों उनके प्रतिवादी इस कानून के आधार पर सर्वे रोकने की मांग कर रहे हैं। नीतीश, वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया गया है आज की जो अपील की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और कहा गया है कि ये सर्वे पर रोक लगाई जाए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वो एक्ट क्या है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो ये जिक्र कर रहे हैं, वो आदेश ही गलत है। वो आदेश 15 अगस्त 1947 के पहले जो स्टेटस था, चाहे मंदिर हो मस्जिद का, उसको कायम रखने की बात उस आदेश में किया गया है। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है, 1947 के पहले क्या ये मस्जिद डिफाइन था, निश्चित था कि ये मस्जिद है, या मंदिर डिफाइन था कि नहीं ये मंदिर है? जब ये निश्चित ही नहीं था कि मंदिर है कि मस्जिद है, तो आप स्टेटस किस पे लागू करेंगे? आप कह रहे हैं कि ये मस्जिद है, हम कह रहे हैं कि मंदिर है, तो जब हमारे आपके बीच विवाद है, उस समय भी विवादित स्टेटस उस समय बरकरार था, 1947 के पहले भी। 1937 में दीन मोहम्मद नाम से एक मुकदमा चला था, अंग्रेज कोर्ट थी, अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने सारे पहलुओं को सुनने, सारे पक्षों को सुनने के बाद ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये हिंदू मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाई गई है, आप उसका उल्लेख नहीं करते हैं, उससे भागते हैं। जब ये डिफाइन ये है, डिफाइन ही नहीं है कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, तो स्टेटस आप कैसे लागू करेंगे वर्सेट एक्ट? आप इस पे ध्यान दीजिए ना, आप कह रहे हैं मस्जिद है, तो मस्जिद है कि हम तो कह रहे हैं मस्जिद नहीं है। आप हमारे आधार पर, हमारे मंदिर पर केवल तोड़ के गुम्बज बना देने से आपका मस्जिद नहीं हो गया। इफ्तार पार्टियों में भी हम लोग जाते हैं, तमाम हिंदू जाते हैं, प्रेम से बुलाए जाते हैं संबंधों के आधार पर, उस इफ्तार पार्टी में हिंदू भी जाते हैं, उनको प्रेम बस मुस्लिम समाज टोपी पहनाता है, लोग पहनते भी हैं, तो क्या मुसलमान हो गए? नहीं हुए मुसलमान। वैसा ही अगर किसी मंदिर पर तोड़ के अगर आप गुम्बज बैठा देने से और नमाज आपके पढ़ लेने से मस्जिद नहीं होता है। मस्जिद तो लोग ट्रेन में पढ़ते हैं, एयरपोर्ट पे पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ते हैं, तो क्या मस्जिद हो जाता है? सड़क पे पढ़ते हैं, सड़क मस्जिद हो जाएगा? नहीं होगा। आप गलत एक्सप्लेन क्यों मस्जिद का कर रहे हैं? गलत एक्सप्लेन मत करिए मस्जिद का। वो स्टेटस जिस प्लेसेस ऑफ वर्सेस एक्ट 1991 की बात करते हैं, वो इस पर लागू ही नहीं होता है। वो उसी स्थल पर लागू होगा जहाँ विवाद नहीं है। विवाद आज इसको निपटना, जब आप चाहते हैं विवाद उस समय भी था, आज भी बना रहा है? नहीं। आप साक्ष्य को देखिए, माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग गए हैं, सारे पहलू सारे साक्ष्य को न्यायालय में आने दीजिए, और न्यायालय जो निर्णय लेगा हम भी मानने के लिए तैयार हैं, आप भी हैं। अगर साक्ष्य मस्जिद का आता है तो हम पीछे हटेंगे, अगर साक्ष्य मंदिर का आता है तो आप हटिए। इसमें क्यों डर रहे हैं आप? साक्ष्य बाहर आने से क्यों डर रहे हैं भाई? आने दीजिए न्यायालय में, आप झूठ मूठ का घबरा रहे हैं। घबरा रहे हैं और या फिर फंसाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो फिर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं तुरंत सर्वे। आखिर सर्वे से उनको दिक्कत क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। ये साधारण कमीशन है, इसमें कहीं तोड़ फोड़ न किसी नवयत न किसी मालकाने न किसी ढांचे में परिवर्तन होना है। ये केवल सर्वे होना है कि वो जो परिसर है उस परिसर की वस्तु स्थिति क्या है, उनकी दीवारों पर क्या है, उसकी भौतिक स्थिति क्या है, इसी का कमीशन होना है। आप इसमें क्यों घबरा रहे हैं? हाईकोर्ट ने भी यही टिप्पणी किया कि भाई भौतिक स्थिति हम जानना चाहते हैं कि आखिर है क्या वहाँ पर, क्यों आप घबरा रहे हैं, क्यों इस पर रुकावट पैदा करना चाह रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट भी हमको लगता है कि मान लीजिए 2 दिन 4 दिन समय देगा, उसके बाद वहाँ से भी इनको मुँह की खानी पड़ेगी। मतलब आपको उम्मीद है कि वहाँ से भी मुँह की खानी पड़ेगी जैसे हाईकोर्ट में इन्होंने मुँह की खाई थी? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ भी मुँह की खानी पड़ेगी, और हम सत्य की लड़ाई, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम सफल होंगे, और आज नहीं कल वहाँ आदि विश्वेश्वर जो हमारे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंग है, वो पुनः जो है वहाँ प्रतिस्थापित होंगे, ये हमारा अपना दृढ़ विश्वास।